महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। राज्य में सोमवार को कोरोना वायरस के 809 नए मामले सामने आए हैं। 2 मई 2020 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य में इतने कम कोरोना केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में महामारी से एक दिन में 10 लोगों की जान गई है। 809 नए के साथ राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 66,11,887 पहुंच गया है, जबकि अभी तक 140,226 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि 2 मई 2020 को महाराष्ट्र में कोविड 19 के 790 केस सामने आए थे। वहीं एक दिन पहले रविवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 1,172 नए मामले और 20 लोगों की जान चली गई थी। पिछले 24 घंटे में कुल 1,991 मरीजों की छुट्टी कर दी गई है। फिलहाल राज्य में कोरोना वायरस के 15,552 एक्टिव केस हैं, जबकि अभी तक 64,52,486 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र की केस रिकवरी दर अब 97.59% और मृत्यु दर 2.12% है। 15 जिलों और 9 नगर निगमों में कोई नया केस नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा है कि राज्य में अब तक किए गए जांचों की संख्या 6,27,52,687 हो गई है, जिनमें पिछले 24 घंटे में 85,476 नमूनों की जांच की गई है, जो हाल ही के दिनों में सबसे कम है। राज्य के 15 जिलों और 9 नगर निगमों में सोमवार को कोई नया मामला सामने नहीं आया। इसके अलावा कई जिले और नगर निगम ऐसे भी हैं जहां पर नए मामलों की संख्या इकाई तक ही रही है। वहीं राजधानी मुंबई में सबसे अधिक 285 नए केस मिले हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।